हेलो स्टूडेंट्स, जी सर द किंग मेकर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप स्केचअप के प्लगइन्स को कैसे डाउनलोड करेंगे और इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास प्लगइन है उसका नाम है 1001 बिट टूल फॉर स्केचअप। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहला ये ऑप्शन आता है 1001 बिट टूल्स। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइट को ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपके ब्राउजर में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप 1001 ब्रिट फ्रीवेयर जो टूल है इसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड आता है मेरे पास जो टूल है वो है बीजीआर सरफेस टूल। अब बीजीआर सरफेस टूल को अगर आपको सर्च करना है, आप कैसे करेंगे, आप फिर गूगल पे आएंगे और आप टाइप करेंगे बीजीआर सरफेस टूल। आपने यहां क्लिक किया और यहां पे आता है स्केच यू। यहां पर आप देखेंगे ये जो लिंक है स्केच एजुकेशन का, आपने इधर क्लिक किया। आप जब यहां क्लिक करेंगे, जो मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखे हुए बीजीआर सरफेस स्केचअप प्लगइन, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये लिंक आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपको भी गूगल से लॉगिन करके रखना पड़ेगा, तब ये डाउनलोड का ऑप्शन एक्टिव होगा। जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो टूल है, जो मेरे पास प्लगइन है, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मेरे पास प्लगइन है उसका नाम है क्लोथ वर्क्स। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे आते हैं। आपने गूगल पे सर्च किया क्लोथ वर्क्स, आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे मेरे पास ये लिंक आता है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट, यहां पे आपने क्लिक किया तो आपने देखा कि यहां पे मेरे पास ये क्लोथ वर्क करके यहां पे प्लगइन का लिंक आ रहा है, यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 9.2 MB का ये प्लगइन है, ये डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट मेरे पास प्लगइन है उसका नाम है क्वाड फेस टूल। आप सर्च करेंगे क्वाड फेस टूल फॉर, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास लिंक आ गया है। आप क्वाड फेस टूल पे आप क्लिक करते हैं स्केचअप पे और आपको यहाँ पे एक साइट दिखाई देगी और यहाँ पे आपको उसका लिंक भी अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास है यहाँ पे क्वाड फेस टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक ओपन हो गया यहाँ पर और आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप डन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वाड फेस टूल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है राउंड कॉर्नर। आप फिर गूगल पे जाते हैं। जब भी आपको कोई भी प्लगइन को सर्च करना है आप गूगल पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे राउंड कॉर्नर। आप लास्ट में स्केचअप जरूर लिखिएगा, जब जैसे आप स्केचअप लिखेंगे तो वो आपको डायरेक्ट लिंक तक ले जाएगा। आपने यहाँ पे राउंड कॉर्नर टूल लिखा फॉर स्केचअप और यहाँ पे आप देख रहे हैं एजुकेशन स्केचअप एजुकेशन है। स्केच एजुकेशन जो आपके पास यहाँ पे जो साइट है इसमें काफ़ी सारे जो प्लगइन्स हैं वो अवेलेबल है, आप यहीं पे ही सर्च करके ढूंढ सकते हैं। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये राउंड कॉर्नर डाउनलोड हो जाएगा। स्टूडेंट, मेरे पास जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है सब डी। आप SUB और आगे डी लिखेंगे, टूल्स स्केचअप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जैसे इसे क्लिक करेंगे आप यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि स्केचअप के प्लगइन्स को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर आज की क्लास आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी।